नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, क्लास 12 के बच्चों को एमपी में जनरल प्रमोशन दिया गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आकर क्लास 12 का रिजल्ट कैसे तैयार होगा, कैसे तैयार हो सकता है। तो उससे क्लास 12 के रिजल्ट की जो विशेषज्ञों द्वारा डिस्कस चल रही है, निम्न अनुसार अंक मिल सकते हैं, अभी क्लियर नहीं है। जैसी क्लियर जानकारी मुझे प्राप्त होती है मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन अभी तक ऐसे अंक मिलने के चांस है। इस प्रकार रिजल्ट तैयार हो सकता है। इसमें सबसे पहले तो आपका चल रहा है क्लास 50% अंक क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार मिलेंगे। पचास प्रतिशत अंक आपकी क्लास 10th में जो है उसके अनुसार मिलना है। फिर इसका दूसरा बिंदु चल रहा है अंक मिलने का, 20% अंक क्लास 11th की। इसके बाद 20% जो अंक है वह है आंतरिक मूल्यांकन चल रहा मिलने के चांस है, जो स्कूल के द्वारा मिलेंगे। इसके बाद 90% रह गया, उसके बाद 10%, और 10% अंक जो आपके मिलने के चांस है वह मिल सकते हैं त्रिमासिक व हाफ ईयरली के एग्जाम के। 10% अंक त्रैमासिक व हाफ ईयरली के एग्जाम के मिलने के चांस है। अभी इसमें कुछ चांस है, ऐसा लग रहा है कि क्लास 11 के अंक जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, इसका भी क्लियर नहीं है, क्योंकि जो प्री बोर्ड के अंक मिलने के अवसर माने जा रहे हैं कि प्री बोर्ड की परीक्षाओं के भी कुछ अंक दिए जाएंगे। संभवता है ये, इसका निश्चित नहीं है, इसकी संभावना व्यक्त की जाती है कि इसकी प्री बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी उसके भी अंक मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो आपके अंक हैं, अंकों के आधार पर ही क्लास 12th का रिजल्ट तैयार हो सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले प्रयास पहुंचाने का प्रयास करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।